Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science Worksheet number 9. ये हमारी 27th of July 2021 की वर्कशीट रहेगी. आज की वर्कशीट भी काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर. ओके, बात करेंगे एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर क्या होती है उसको हम समझेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. कैसे है वो भी हम इसी वर्कशीट में डिस्कस करेंगे. और हम ये भी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी मेनली जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो कौन कौन सी है. ओके, लेट्स बिगिन. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर है क्या? कृषि, खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर है, सबको पता है. ओके, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है. एक तो कीपिंग ऑफ एनिमल्स एंड सेकंड वन ग्रोविंग क्रॉप्स. यानी दो चीज़ें, कीपिंग एनिमल्स एंड ग्रोविंग क्रॉप्स, यानी पौध पालन और पशुपालन. उसका जो साइंस है, विज्ञान है, आर्ट है, कला है, कुछ भी कह दीजिए, वो एग्रीकल्चर है. और इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी ये एग्रीकल्चर. जिस साल प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन आ जाता है उस साल हमारी इकोनॉमी धड़ाम नीचे से गिर जाती है. और हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें प्रोडक्शन ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि हमारी 50% मोर देन 50% एग्रीकल्चर लैंड है दैट डिपेंड्स ऑन मॉनसून. जो नॉन इरीगेटेड एरिया आ जाता है, यानी सिंचाई सुविधाएं अभी भी अवेलेबल नहीं है. अब मॉनसून है वो इरेगुलर है. ओके, और बिल्कुल भी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि टाइम से आएगा टाइम से जाएगा. कभी ज़्यादा होती है बारिश, कभी कम होती है. तो उसके कारण एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है, और उसी के साथ हमारी इकोनॉमी भी ऊपर नीचे होती रहती है. ओके, चलिए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है. इंडिया इज एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री, यानी कि एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है, यानी हमारी इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर. मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. और हमारी मोर देन 50% नियर अबाउट 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है अपने पेट के लिए. एंड एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. अब ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. अब ये भी समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सभी एक्टिविटीज़ होती है दैट गिव्स अस सम टाइप ऑफ प्रॉफिट, जिससे हमें कोई लाभ होता है. ओके, जिससे हमें इनकम होती है. ओके, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच जनरेट्स इनकम उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे मान लीजिए कि कोई रिक्शा चला रहा है, उसको इनकम हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओके, कोई अगर गाड़ी चला रहा है उसको इनकम हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. टीचर टीच कर रहा है, इनकम हो रही है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओके, तो यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसको हम थ्री कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं. ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड द टर्सरी एक्टिविटीज़, जो कि आप 9th क्लास में कर चुके. प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो सभी एक्टिविटीज़ इसमें हम इंक्लूड करते हैं. ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच वी यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. ओके, और कुछ प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएंगी. सच एज़ ये कह सकते हैं, सच एज़ एग्रीकल्चर है, इसमें हम वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है. फिशरीज़, मछली पालन है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है. ऐसी फॉरेस्ट्री, पेड़ों से, वनों से, जंगलों से लकड़ी काटना प्राइमरी एक्टिविटी है. माइनिंग, खनन, जो खानों से हम कुछ निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ है. ओके, समझ में आ गया ना कि देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, एंड एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी. तो एग्रीकल्चर क्या है? ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. जितना भी फूड, अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबके पास अपना पेट है, उस पेट को भरने का काम एग्रीकल्चर करती है मेनली. ज़्यादातर जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जैसे फिशरीज वगैरह को हम छोड़ दिया जाए, या फॉरेस्ट से जो फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर कहाँ से आ रहा है? वो एग्रीकल्चर से आ रहा है. बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज़. इसके अलावा फूड ग्रेन्स के अलावा काफ़ी सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है? दोज इंडस्ट्रीज़ विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स. कच्चा माल वो यहाँ से लेंगे एग्रीकल्चर से, सच एज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब कॉटन कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा. जूट इंडस्ट्री, अब जूट कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा. सुगर इंडस्ट्री, अब चीनी बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे? गन्ने से. गन्ना कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा. तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो इट प्रोवाइड्स फूड, हमें फूड यानी कि जो फूड ग्रेन्स है वो हमें मिलते हैं एग्रीकल्चर से. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उनको कच्चा माल भी हमें एग्रीकल्चर से मिलता है. मोर एवर
Some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. इसके अलावा कुछ ऐसे हैं, commercial crop भी agriculture के part होते हैं जो हम mainly export करते हैं. Okay, उनमें tea, coffee और spices India में most important है. Clear? तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि agriculture एक primary activity है and it provides us food grains, raw material for the agro-based industries and some items for exporting too. Clear? और हमारे more than 50% यानी कि 60% के आसपास जो लोग हैं वो agriculture में engaged हैं. Clear? तो यहाँ तक ये हमारा clear हो चुका होगा. अब हम बात करेंगे types of farming की, कि जो agriculture है mainly, जो farming है उसको हम 4 types में divide कर सकते हैं. ओके, मेनली की बात की है, इसके अलावा भी हम इसका फर्दर भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम 4 टाइप्स की बात करेंगे. फर्स्ट है आपका प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब इसमें प्राइमेटिव वर्ड है उसे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया. प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब ये आदिम प्रकार की कृषि है, बहुत पहले हम यूज़ किया करते, यानी कि प्राइमेटिव जब हम थे, शुरुआत में जब थे, तो हम इसी टाइप की फार्मिंग किया करते थे, यानी जो ओल्ड हमारा मेथड था उसके थ्रू हम इसको, इस फार्मिंग को किया करते थे, अब भी करते हैं. जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो आदिवासी जिनको बोलते हैं, जैसे झारखंड में हो गए, छत्तीसगढ़ में हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो गए, तो वहाँ पर अभी भी लोग इसी प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लगे हुए हैं. सेकेंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब इसमें जीवन निर्वाह तो हो रहा है, ये तो टाइम पास के लिए है, और ये है इसमें टाइम पास इसमें हो रहा है लेकिन थोड़ा बेटर. ये कहाँ होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? इट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जो होता है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर इस टाइप की फार्मिंग होती है. क्लियर? डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद थर्ड जो टाइप है फार्मिंग का, दैट इज़ द कमर्शियल फार्मिंग. अब नाम से ही हमें थोड़ा आइडिया हो रहा ना कमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है. इन कमर्शियल फार्मिंग फार्मर ग्रोज द क्रॉप्स टू सेल इन द मार्केट, यानी मार्केट में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती है, वो कमर्शियल फार्मिंग होती है. फोर्थ है प्लांटेशन. प्लांटेशन फार्मिंग इज द पार्ट ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि बहुत लंबे चौड़े खेत होते हैं, इट कैन बी ऑफ 100 acres का एक ही फील्ड हो सकता है. ओके, और उसमें एक ही टाइप की सिंगल जो मोनोक्रॉप है वो वहाँ पे लगाई जाएगी, जैसे टी गार्डन्स होते हैं साउथ इंडिया में, कॉफ़ी गार्डन होते हैं, तो ये होती है प्लांटेशन फार्मिंग. ठीक, तो ये 4 टाइप की फार्मिंग है जिसके बारे में हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, ये होती क्या है. प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो हिंदी में इसको हम कहेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि. अब प्रारंभिक है, प्राइमेटिव वर्ड हो गए यानी कि बहुत पहले की जाती थी, और जीविका सब्सिस्टेंस होता है जीविका निर्वाह, मतलब टाइम पास करना, जीवन यापन के लिए इस प्रकार की कृषि को किया जाता है. तो ये जो फार्मिंग है ये फार्मिंग अभी भी की जाती है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसाइज्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स में अभी ये की जाती है. प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड ऑन स्मॉल पेचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ द प्राइमेटिव टूल्स, किसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें ये की जाती है, और इसमें जो प्राइमेटिव टूल्स होते हैं जैसे डाओ हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया, या फैमिली या कम्युनिटी लेबर है वो मिलकर के इसमें खेती करते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून, नेचुरल जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सुटेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है. ओके, यानी कि ये एक बेसिक टाइप की फार्मिंग है जो हम बहुत पहले करते थे, वो आज भी चली आ रही है. अब इसकी बेसिक चीज़ें हम समझते हैं कि ये जो फार्मिंग है इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसको बोलते हैं स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा आपके NTSC के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी. तो यहाँ पे हम समझते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, तो यहाँ आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों बोलते हैं कि इन दिस फार्मिंग फार्मर शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर 3 to 5 years, यानी कि हर 3 to 5 साल के बाद फार्मर क्या करते हैं, अपने खेती करने की जगह को बदल लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं. ओके, क्या करते हैं वो, एक जगह पे जाते हैं, देन दे कट द फॉरेस्ट, उसको कट करते हैं, जिसको बोलते हैं श्लेष. ओके, एंड देन बर्न दम, उनको जला देते हैं, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे फार्मिंग करते हैं. कितने सालों तक? 3 to 5 years तक. उसके बाद क्योंकि उसकी नेचुरल फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, देन दे मूव टू द नेक्स्ट प्लेस, शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर, एंड देन डू द सेम थिंग, वहाँ पे जाकर के फिर पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं. तो इसको पेड़ों को काटना स्लेश होता है, जलाना होता है बर्न, तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको बोलते हैं. एंड क्योंकि वो अपने प्लेस को शिफ्ट करते रहते हैं तो इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं. क्लियर? तो समझ में आ गया ना, अब बिल्कुल समझ में आ गया हो कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या. एंड इन दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन दे यूज द प्राइमेटिव मेथड एंड प्राइमेटिव टूल्स,
जो प्राइमेटिव मेथड्स है वही यूज़ करते हैं, जैसे बीजों को बिखरा दिया, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, ओके। और प्राइमेटिव उनके पास टूल्स होते हैं, वो कभी भी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, ओके। इसलिए इसको हम प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं, बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो इसमें प्रोडक्शन काफ़ी लो होता है, तो ये सब्सटेंस भी होती है, सब्सटेंस ही होती है, यानी टाइम पास ही हो पाता है इसे, ओके। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसको श्लेषण बर्न क्यों कहते हैं और इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्यों कहते हैं। एंड दिस इज़ नॉन इको फ्रेंडली फार्मिंग है, यानी इको फ्रेंडली फार्मिंग नहीं है, एंड दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ डिस्करेजिंग इट, इसको डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट में जैसे पेड़ों की कटाई ज़्यादा होती है, इसके अलावा सोइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे गवर्नमेंट है वो डिस्करेज करे, क्योंकि ये क्या है, नॉन इको फ्रेंडली फार्मिंग होती है। अब इसके अगर हमें फीचर्स बताने हो कि इसमें मेन फीचर्स क्या है, तो मेन फीचर इसका होता है लेस लैंड इज़ रिक्वायर्ड हेयर, कम जमीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि दे जस्ट ग्रो वन क्रॉप इन ईयर, एक ही क्रॉप ग्रो करते कब, मॉनसून सीजन में, तो ज़मीन ज़्यादा नहीं चाहिए ना, इट नीड्स लेस लैंड। सेकेंड, इट नीड्स लेस लेबर, लेबर की भी कम जरूरत होती है, बीजों को बिखरा दिया, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, ओके। तो इसमें इट नीड्स लेस लैंड, इट नीड्स लेस लेबर, और थर्ड इट नीड्स लेस कैपिटल, कैपिटल की भी कम जरूरत होती है, पूंजी की, पैसे की, फर्टिलाइजर इनको नहीं लेके आना, HYV सीड इनको नहीं लेके आना होता, ओके। तो इस इट नीड्स लेस कैपिटल टू, इट नीड्स लेस मशीन एंड टूल्स, मशीन एंड टूल्स का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ओके। इट नीड्स लेस फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का तो यूज़ ही नहीं होता, ओके। इट नीड्स लेस मशीन एंड टूल्स, एंड प्रोडक्शन रिमेन्स क्वाइट लेस, प्रोडक्शन भी इसमें कम होता है, एंड सो दैट प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी काफ़ी कम होता है, यानी कि आप इसी आसानी से याद रख सकते हो कि इसमें कम जमीन चाहिए, कम मेहनत करनी होती है, कम पैसे की ज़रूरत होती है, कम मशीनों की ज़रूरत होती है, कम प्रोडक्शन होता है, कम लाभ होता है, सब कुछ कम 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 कम, ओके, हो जाएगा, कर लोगे। उसके बाद सेकेंड है हमारा इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या है, ये आपका अपग्रेडेड है, ओके, प्रो वर्जन है एक तरीके से, इसी फार्मिंग को हमने अपग्रेड कर दिया, जो हम मॉडर्न वे में करते हैं। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इट इज़ मेनली प्रैक्टिसाइज्ड इन द एरियाज वेयर देर इज़ हाई प्रेशर ऑन द लैंड ड्यू टू द पॉपुलेशन, यानी कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहाँ की जाती है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहाँ पर की जाती है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मतलब ज़्यादा लोग, ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पेट, मतलब ज़्यादा खाने के लिए चाहिए, तो वहाँ पर ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, तो वहाँ पे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की जाती है। अब इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या होता है, जो प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग है उसका बिल्कुल उलट है। इट नीड्स इन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में वी ग्रो टू और मोर देन टू क्रॉप इन ए ईयर, दो या दो से ज़्यादा फसलें लेते हैं हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में। और सेकंड जो मेन फीचर होता है, वी मेनली फोकस ऑन द फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि खाने की दिक्कत होती है, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में किया जा रहा है, वीट राइस वीट राइस वीट राइस वही लगा रखा हमने, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, इतने सारे पेट है, भरने उन पेटों को भरना ना, तो ये इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होता है। अगर इसके हमें फीचर्स लिखने हो तो सब कुछ हम मोर कर देंगे, वी नीड मोर लैंड, वी नीड मोर लेबर, वी नीड मोर कैपिटल्स, वी नीड मोर मशीन एंड टूल्स, एंड प्रोडक्शन रिमेन्स क्वाइट हाई, एंड सो दैट प्रॉफिट, प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, ओके। तो ये सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ज़मीन चाहिए, ज़्यादा ज़मीन कैसे, ये एक साल में हम दो या तीन फसलें ले रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन होगी ना, मेहनत भी अब ज़्यादा लगेगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा ही मशीन एंड टूल्स का यूज़ होगा, प्रॉफिट प्रोडक्शन दोनों ही ज़्यादा रहेंगे, ओके। तो यहाँ पर सब कुछ हम मोर कंपेरेटिवली मोर करेंगे, क्लियर। उसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग है उसमें और इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में जो बेसिक डिफरेंस है, एक तो डिफरेंस ये है कि कमर्शियल फार्मिंग वहाँ की जाती है जनरली जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है, यानी कि ज़मीन ज़्यादा और पॉपुलेशन कम है, ओके। तो ये कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इन कमर्शियल फार्मिंग फार्मर्स मेनली फोकस ऑन द दोज क्रॉप्स विच ही और शी वॉन्ट टू सेल इन द मार्केट, यानी कि इन कमर्शियल फार्मिंग फार्मर्स ग्रोज टू सेल इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए फसलें बोई जाती है, ठीक। जैसे वेस्टर्न यूरोप की बात करें या फिर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा है और वहाँ पे मशीन एंड टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर की जाती है, तो वहाँ पर कमर्शियल क्रॉप्स है वो बोई जाती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं होती, इंडिया में भी की जाती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं होती, लार्ज स्केल पर नहीं की जाती, ओके। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या है, इसमें जो फार्मर है वो मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन करता है, मेन डिफरेंस ये है, ओके। और कहाँ की जाती है, जहाँ पर पॉपुलेशन कंपेरेटिवली कम होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर कम होता है वहाँ पर यह की जाती है। और एक और डिफरेंस होता है कि इन कमर्शियल फार्मिंग वी नीड लिटिल बिट मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल,
हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसा ज़्यादा लगता है एंड इसमें मशीन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी ज़्यादा किया जाता है। ओके, अगर हमें फीचर्स लिखने हो तो हम सेम ही लिखेंगे, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का, ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है हमें, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा मशीन एंड टूल्स, प्रॉफिट, प्रोडक्शन सब कुछ ज़्यादा होता है। ओके, तो वो सेम कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और कमर्शियल जो फार्मिंग है उसमें एक और चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कोई सेम क्रॉप है वो कमर्शियल क्रॉप भी हो सकती है और सब्सटेंस क्रॉप भी हो सकती है, डिपेंड करेगा वहाँ के कल्चर के ऊपर। जैसे राइस है, राइस क्या है, इट इज़ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा और पंजाब में, ये कमर्शियल क्रॉप है क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए बोया जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर कंज्यूम नहीं करते चावल को, ठीक। और जबकि उड़ीसा में क्या है, इट इज़ सब्सटेंस क्रॉप्स है क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए चावल को यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसे एरिया टू एरिया जो क्रॉप है वो चेंज हो जाती है। इंडिया में अगर कमर्शियल क्रॉप्स की बात की जाए तो इंडिया में मेनली जैसे हम बात करें टी, कॉफ़ी, ये क्या कमर्शियल क्रॉप्स में और प्लांटेशन फार्मिंग में, दोनों में आते हैं। ओके, जैसे फार्मर ने कॉटन ग्रो किया जो हरियाणा में या फिर यूपी में दिल्ली के आसपास के इलाकों में ग्रो किया जाता है, तो कॉटन है, मस्टर्ड है, सरसों है, ये क्या कमर्शियल क्रॉप ही है, क्लियर। लेकिन लार्ज स्केल पर नहीं है जैसा कि यूरोप या फिर अमेरिका में होता है। अब हम बात करेंगे प्लांटेशन फार्मिंग की। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको बागानी कृषि, ठीक, बागानी कृषि, और हिंदी में इसको रोपण कृषि बोलते हैं, यानी कि पौध रोप के लगाई जाती है। अब रोप के लगाई जाती है उसी हिसाब से तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि चावल भी लगाया जाता है, तो चावल क्या प्लांटेशन फार्मिंग में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें कंडीशन ये होती है कि वंस वी ग्रो एनी क्रॉप इट शुड गिव द प्रोडक्शन मिनिमम 3 to 5 years, यानी एक बार हमने पौधा लगा दिया तो उसके बाद वो 3 to 5 वर्षों तक फसल दे, तो उसको हम प्लांटेशन फार्मिंग में इंक्लूड करेंगे। इसमें हमारे प्लांटेशन फार्मिंग में इंक्लूड रहेंगे जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये प्लांटेशन फार्मिंग में आते हैं। ये कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट है। डिफरेंस क्या होता है कि इसमें एक सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, एक बड़ा एरिया 100 to 500 acres का हो सकता है, उसमें एक ही फसल ग्रो की जाएगी, सच एज टीन आसाम, कॉफी इन कर्नाटका, रबर इन केरला, तो वहाँ पर क्या बड़े खेत है तो वहाँ पर एक ही फसल होती है, तो वो प्लांटेशन फार्मिंग कहलाती है, क्लियर। बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कमर्शियल फार्मिंग और इस फार्मिंग। तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड सेगमेंट की, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे टोटल 3 easy questions दिए गए आज की इस वर्कशीट में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इफ़ यू वर अ फार्मर देन विच टाइप ऑफ फार्मिंग यू वुड लाइक टू डू एंड वाई। अगर आप फार्मर होते, अगर किसान होते तो आप कौन सी खेती करना पसंद करते, जो ऊपर दी गई थी उनमें से। ओके, सो इफ़ आई वर अ फार्मर आई वुड प्रेफर टू डू द कमर्शियल फार्मिंग। मैं कमर्शियल फार्मिंग करता। कमर्शियल फार्मिंग इज ए मॉडर्न एग्रीकल्चर इन विच बोथ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट आर हाई, यानी कि इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है, एंड इट इज़ ए मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट्स वाई कौन सी को प्रेफर करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर या इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इसके बारे में हमें कुछ लिखना है कि क्या है ये। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज डन इन ए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। पहला जो फीचर होता है ये कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ये इस टाइप की फार्मिंग की जाती है, यानी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो। ओके, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मेनली फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, और क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके पेट भरने के लिए खेती की जाती है, तो यहाँ पे मेनली फूड ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेज एटसेट्रा। ओके, उसके बाद थर्ड जो इसका फीचर होता है, इन दिस फार्मिंग 2 or more than 2 crops आर टेकन इन अ ईयर, यानी एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें ली जाती है, एंड मोर लेबर इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर दैट ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये रहेगा कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है और उसके मेन फीचर्स क्या। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा तीसरा थर्ड क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का, लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में हमें डिफरेंस बताना है, क्लियर। कमर्शियल फार्मिंग इज मेनली डन इन एरियाज विद लेस पॉपुलेशन, यानी कमर्शियल फार्मिंग कहाँ की जाती है, जहाँ कंपेरेटिवली कम पॉपुलेशन होती है, जहाँ पर जमीन ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन कम है। जबकि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर इज डन इन एरियाज हैविंग डेंस पॉपुलेशन, ये वहाँ की जाती है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, सच एज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चर की जा रही है, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर की जाती है, जहाँ पे मेन फोकस होता है वो फूड ग्रेन्स के ऊपर होता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड मेन फीचर है, कमर्शियल फार्मिंग मेनली प्रोड्यूसेस कमर्शियल क्रॉप्स, जो कमर्शियल फार्मिंग है इसमें कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके ऊपर फोकस होता है, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग क्या है, ये मार्केट में बेचने के लिए की जाती है ना कमर्शियल फार्मिंग,
तो इसमें कमर्शियल फोक जो क्रॉप्स होती है उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि इन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इट प्रोड्यूसेस फूड क्रॉप्स, यहाँ पे फूड क्रॉप्स हैं उनके ऊपर जोर दिया जाता है, वीट, राइस, पल्सेज एटसेट्रा। ओके, तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा जो डिफरेंस है दोनों में, दैट इज जो कमर्शियल फार्मिंग है, नीड फॉर मशीन्स एंड कैपिटल इन कमर्शियल फार्मिंग इज मोर एज कम्पेयर टू द इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। यानी कि कमर्शियल फार्मिंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत होती है, पैसा ज़्यादा लगता है, पूंजी ज़्यादा चाहिए, मशीन एंड टूल्स का भी मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, ओके, एज कम्पेयर टू द इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। तो ये थ्री डिफरेंस रहेंगे। फर्स्ट जो डिफरेंस रहेगा ये कम पॉपुलेशन वाले इलाकों में होती है, जबकि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके में की जाती है। जो कमर्शियल फार्मिंग है इसमें कमर्शियल क्रॉप है वो बोई जाती है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में फूड क्रॉप्स मेनली रहती है। इसमें मशीन एंड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसमें कंपेरेटिवली कम होती है, ज़्यादा तो होती है लेकिन उसके कंपेयर में कम होती है। तो ये थी हमारी आज की ईजी वर्कशीट, जिसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमने पिछले कुछ दिनों पहले यानी कि कल ही आपका वर्कशीट है, वो आपका जो सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है, वो रिलीज हुआ वर्कशीट से पहले। तो हमने वर्कशीट से पहले आपके साथ वीडियोस शेयर किए थे, जो आपका डिटेल सिलेबस है, टर्म वाइज सिलेबस है, वो डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि क्या कुछ आपके सिलेबस में रहेगा, क्या कुछ आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, कौन से टॉपिक्स है वो डिलीट हो चुके हैं, मैप वर्क में क्या रहना है, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, सिलेबस अपडेट्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, अपनी स्टडी को मैनेज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास एग्जैक्टली पता हो कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्या कब पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।